को जीत लिया है और यूरोप चोरी छुपे मंगा रहा है ईंधन रूस से। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को सबसे बड़ा झटका क्या अगले महीने लगने वाला है, नवंबर से फरवरी तक में क्या पूरी तस्वीर बदल जाएगी। वहीं इन सब में भारत को $5 बिलियन का फायदा कैसे हो रहा है जानेंगे। रूस यूक्रेन की लड़ाई में जहां भारत एक तरफ फायदे में रह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस की जीत पक्की हो रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। दो हमले और ये दो हमले बिल्कुल से तस्वीर बदल रहे हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई के। पहला हमला नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर, जो हमने आपको बताया था कि अचानक से गैस के बुलबुले निकलने लगे ब्लैक सी में और यहाँ पर पता चला कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में डैमेज हो गया है। और दूसरा हमला था क्रीमिया के उस ब्रिज पर जो रूस के लिए बड़े शान की बात मानी जाती थी। ये दोनों ही हमला, इस दोनों हमले ने पूरे रूस की और यूक्रेन की लड़ाई को बदल कर रख दिया। इस वक्त अमेरिका, पश्चिमी देश और भी कई दुनिया के देश हैं जिन्हें ये लग रहा है कि रूस की मिलिट्री हार रही है, रूसी सेना हार रही है और यहाँ स्थितियाँ एकदम से खराब हो रही है। जब ये कहा गया कि आप G20 की मीटिंग में पुतिन से कि आप मिलेंगे बाइडेन से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है मिलने की। हालांकि ये प्रश्न आप बाइडेन से पूछो, मेरे से मत पूछो। ये जो कॉन्फिडेंस था, इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पहली बात, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फट जाती है, खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, यहाँ से जाना बंद हो जाता है ईंधन। अब क्या होता है, यूरोपीय यूनियन अमेरिका की तरफ मुंह देखने लगता है और अमेरिका एक गुना दो गुना नहीं बल्कि 7 गुना ज्यादा दाम लेता है। अमेरिका 7 गुना ज्यादा दाम लेता है इस LNG सप्लाई का और कर रहा होता है। जर्मनी जब रूस से खरीद रहा था 1,000 क्यूबिक मीटर LNG तो उसके लिए उसे देने पड़ते थे $280, जबकि अभी उसी 1,000 क्यूबिक मीटर गैस के लिए जर्मनी को अमेरिका को देने होते हैं $2,000। अब इससे जरा अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका ने यूरोप के देशों को जाल में फंसाया है और जाल में फंसा कर अपना प्रॉफिट बना रहा है। सिर्फ इस युद्ध से अपना प्रॉफिट हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे इसमें यूक्रेन की बलि चढ़ रही हो, चाहे रूसी लोगों की बलि चढ़ रही हो। जेलेंस्की ने रेड लाइन तब पार कर दिया जब करेज ब्रिज था उस पर हमला हो गया। ये बहुत ही गलत था, ये होना नहीं चाहिए था। अब इसके बदले में रूस ने क्या किया, यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया। अब यूक्रेन ये कह रहा है हमारी बिल्डिंगें जल रही है, हमारे हौसले नहीं, अबे बचोगे क्या, पूरे यूक्रेन को तो तबाह कर दिया। मांग मांग कर यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के हथियारों के जखीरे को खत्म करना शुरू कर दिया है, कम करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो अमेरिका ये सोच रहा है रूस इस युद्ध को हार गया है, पर इसके उलट 3 लाख सैनिकों की तैनाती, इसके अलावे 17,000 वॉलंटियर्स, इसके अलावे एडवांस हथियारों की तैनाती, ये सब कुछ चल रहा है जो इस वक्त रूस कर रहा है। आपने देखा 11 बॉम्बर्स की तैनाती हो गई, इसके अलावे कई हथियारों की तैनाती हो रही है। कहा जा रहा है कि नवंबर से लेकर आने वाला फरवरी ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला समय होगा जब रूस एकदम से बदल देगा और ये समय वो समय है जो विंटर कहलाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, रूस इस वक्त का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेगा और तब तक करेगा जब तक कि यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ जाती है जो रूस के साथ फ्रेंडली रिश्ते रखे। माना जा रहा है ये जो वक्त है इस वक्त में ऑल आउट विक्ट्री लेगा रूस। अभी हमने देखा किस तरीके से रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी करेंसी का बोलबाला हो रहा है, दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन गई है इस वक्त रूसी करेंसी। दुनिया भर की करेंसी गिर रही है लेकिन रूसी करेंसी मजबूती के साथ खड़े है। तो वहीं दूसरी तरफ ओपेक ने भी बहुत ज्यादा साथ दे दिया है। अब तीसरी तरफ जो खबर निकल कर आ गई है कि यूरोप ने, एक तो आप जान लीजिए यूरोप ने गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे और गैस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, पर यूरोप ने तेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। मतलब जो चीजें उसके काम की है उस पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, जिन चीजों पर वो निर्भर है वो प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पर रूस ने यहाँ पर ये कह दिया कि बाकी सारी चीजों में आप थोड़ा ध्यान
ध्यान दो, उन पे प्रतिबंध हटाओ तो फिर हम आपको गैस सप्लाई करेंगे, यानी कि लाइफ लाइन पर ही वॉर कर दिया। अब इसके अलावा एक रिपोर्ट निकल कर आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि एक तरफ यूरोप कह रहा है कि हमने रूस पे बैन लगा दिया है, रूस से तुम भी कुछ मत खरीदो, हम भी कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन रशियन न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है यूरोप चुपके चुपके से। करीब 200 मिलियन यूरो के ये रशियन न्यूक्लियर फ्यूल खरीदे जा रहे हैं। मतलब दुनिया के देशों को दिखाना कुछ है और करना कुछ है। इसके लिए तो जेलेंस्की ने भी कहा था कि आप न्यूक्लियर फ्यूल खरीदना रूस दल बंद कर दो, क्योंकि इस तरीके से तो उसे मदद ही मिल रही है। रूसी कंपनी रोजेटम को बंद करने की बात भी हुई थी, बैन लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इससे यूरोपीय देश खरीद रहे हैं काफी लंबे समय से, और यूरोप ने करीब 210 मिलियन यूरो पेमेंट भी किया हुआ है। जहां एक तरफ ये देश भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार भारत ने अपने दम पर काम करना और अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अब भारत और रूस के बीच कई तरह के हालात बन रहे हैं। अभी जैसे कि प्रतिबंध लगे तो बहुत सारे कंपनियां रूस से निकल कर बाहर होने चली, अब एक गैप बन गया। इस गैप के बीच हमने शुरुआती दिनों में भी देखा, रूस ने हमें लिस्ट दिया था कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए और भारत ने वो सारी चीज रूस को भेजी भी थी। पर अब भारत और रूस के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा हल होने जा रहा है, वो है करेंसी, कि किस करेंसी में हम व्यापार करें। और ये मुद्दा हल होने का मतलब है कि भारत अब एडिशनल जो व्यापार भारत करता है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावे 5 बिलियन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको बता, रूस को ये एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है लगभग हर सेक्टर में, क्योंकि एक खाली जगह बन चुकी है और उस खाली जगह को जो भी देश भरेगा वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा। वैसे तो पिछले साल थोड़ा घटा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि जल्द ही भारत और रूस का व्यापार काफी आगे निकलेगा। यहाँ तक कि कई पंजाब के फार्म्स भी हैं जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब रूस में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनका ऑप्शन भी उन्हें सामने में दिख रहा है। वैसे भारत ने सही किया या नहीं कि रूस के साथ अपने रिश्तों को उसी तरीके से बनाए रखा, वैसे आपको क्या लगता है? जियो पॉलिटिक्स में जो ये बदलाव आ रहे हैं, अब धीरे धीरे यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं भारत जैसी विदेश नीति भी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।